जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही वह के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे बायजूस के सी ए क्लब चैंपियनशिप T20 के जो दूसरे मुकाबले खेले जाएंगे दिन के PRC वर्सेस JRO के बीच में। इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अपना एक डेमो टीम है। फाइनल टीम में आपको जो भी बदलाव दिखेंगे उसका अपडेट सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, इसी वीडियो के चले जाइएगा कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिखिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। अब आइए हम मैच को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे विनिंग परसेंटेज ज़्यादा किसके रहने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे PRC की जो टीम है वो थोड़ा सा स्लाइट एज ले सकता है, नो डाउट। जॉली रोवर्स भी अपने आप में अच्छी टीम है, इनके पास गेंदबाजी अटैक अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं स्लाइट एज दूंगा यहाँ पे PRC का। और इसके विनिंग चांसेस जब यहाँ पे बोलूंगा कि तकरीबन 55% के आसपास चांसेज है कि PRC की टीम इस मैच को विन कर सकती है। वो अगर JRO के लेके बात करें तो इसके विनिंग चांसेस यहाँ पे 45% के आसपास है। अगर हम लास्ट मैच को लेके बात कर ले दोनों टीम का, तो यहाँ पे आपको दिखेगी PRC की जो टीम है वो एक मैच खेल के आ रही है MRC के अगेंस्ट। वहाँ पे देखिए क्या हुआ था, MRC के अगेंस्ट PRC की टीम टाइम मुकाबला खेल रही थी, जहाँ पे सुपर ओवर में इनको हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन वहीं MRC का अगर आप देखोगे AGR के साथ जब आमना सामना हुआ था तो AGR टीम को वन साइडेड हरा दी थी। कौन सी टीम? MRC की टीम। और वही AGR जब JRO के साथ खेला था ना, तो वहाँ पे JRO के AGR ने फेंटी लगा दी थी। अब यहाँ से जब आप कोऑर्डिनेट करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि PRC और JRO में स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी रहने वाली है। अगर हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर ध्यान दें तो आपको दिखेंगे यहाँ पे MRC की टीम नंबर एक पे, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी PRC की टीम नंबर चार पे, जो एक मैच खेली है, एक मैच लॉस करके आ रही है। वहीं JRO को लेकर बात कर लेंगे, दो में से दोनों मैच यहाँ पे लॉस करके आ रही है। अगर हम JRO का लास्ट मैच देखेंगे तो वो AGR के साथ ऐसा कुछ हुआ था, AGR पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे खड़ा किए थे 149 रन 8 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में बात कर लेंगे तो यहाँ पे रविन कृष्णन 4 ओवर 1 मैदान 23 रन 1 विकेट, मोहम्मद शफी डेथ गेंदबाजी करते हैं, याद रखिएगा इस बात को, 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट लिए थे। अमल रमेश 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। इनका दिक्कत क्या है कि ए रमेश कब 4 डालेंगे कब 2, ये डिसाइडेड यहाँ पे नहीं है। मोहम्मद इशाक 4 ओवर 28 रन 3 विकेट। फिर उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे सबीन पासा 2 ओवर 13 रन, श्री SV के 2 ओवर 12 रन 0 विकेट, श्री राग जिनके नाम हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कन्फर्म 4 ओवर हैं वो ऑलमोस्ट आपको दिखेंगे रवीन का, फिर यहाँ से दिख जाएंगे सियाक का और सफीर का। उसके बाद यहाँ पे कैप्टन सबीन पासा भी अपने आपको अधिकतम कंप्लीट स्पेल ही डलवाते हैं, तो अमाल रमेश और SVK का स्पेल आपको कभी भी स्प्लिट होते नजर आ जाएगा। डेथ बॉलिंग को लेकर बात करें तो आपको दिख जाएंगे सफीर और इसाक, कभी कभार आप आर कृष्णन से 1 ओवर डेथ में उम्मीद करके चल सकते हो। बल्लेबाजी में बात करेंगे टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज दिखेंगे आनंद कृष्णन, अच्छे बल्लेबाज हैं, पोटेंशियल इनके पास अच्छा है, बस दिक्कत यह क्या है कि इनसे आप बल्लेबाजी में उम्मीद रखिएगा, गेंदबाजी में ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर नहीं रखिएगा, जो कि आपको दिखेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे ऊपर। उसके बाद आपको दिखने जाएंगे वत्सल गोविंद 64 की वजह से टेक्निकल स्टैंडर्ड प्लेयर हैं। SVK 47-42 बॉल में 3 चौका 1 छक्का, निखिल टी 0 और रवीन कृष्णन की वजह से 25 रन सिर्फ 15 बॉल में है। अब आइए हम देखते हैं JRO का एक और मैच हुआ TRC के अगेंस्ट, जहां पर JRO की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे खड़ा किए थे 130 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आनंद कृष्णन की वजह 30, रवीन कृष्णन यहां पे ओपन किए हुए, ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर भी, वत्सल गोविंद 23, निखिल टी 22 रन, डी राचूरा 24, फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे मसूद पी 2 रन करते हुए, अमाल रमेश 10 रन 7 बॉल में, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, 2-4-5 बॉल खेलेंगे, 10-15 रन करेंगे, इससे ज़्यादा ये करते नहीं हैं। बात करेंगे गेंदबाजी में तो रवीन कृष्णा को यहाँ पे 1 विकेट मिला हुआ था, मोहम्मद सफीर को 1 मिला हुआ था, मोहम्मद इसाक को 1 मिला हुआ था, सबीन पासा देखिए यहाँ पे 4 ओवर डाल के चले गए, SVK 3 ओवर गेंदबाजी भी डाले थे, अमल रमेश 1 ओवर सिर्फ 90 डाले थे, जहाँ पे इनको 1 विकेट मिल गया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं PRC का, जो पहला मैच खेला गया था MRC के साथ वहाँ पे क्या हुआ था। PRC पहले बल्लेबाजी किए हुए थे, जहाँ पे बोर्ड पे खड़ा किए थे 146 रन, जहाँ ए प्रताप 15 किए हुए थे, अरुण के 5 रन किए हुए थे। इन दोनों का भी मुझे कंप्लीट स्टेट्स मिला नहीं है, मैं अभी और रिसर्च करने वाला हूँ। मैं आपको सच बता दूँ तो इस मैच को लेकर भी मैंने सिर्फ 70% के आसपास रिसर्च कंप्लीट किए हैं, 30% मैं और करूँगा, उसके बाद मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पर बोल दूंगा, ठीक है। फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे श्रीनाथ के 55 करते हुए विकेट के पीछे, दिखेंगे आपको अश्विन आनंद यहाँ पे 6 किए हुए थे, फिर आपको दिख जाएंगे राहुल शर्मा 8 किए हुए थे। अश्विन आनंद मुझे एक ठीक ठाक प्लेयर इनके मिडिल क्रम में लगे हैं। फिर राहुल शर्मा 8, रणजीत 11 किए हुए थे, अल्फी फ्रांकिस 7 किए हुए थे, बेहतरीन हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं।
इसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान रहने वाला है। मैं तो रिकमेंड करूंगा मिनी जीएलजीएल में आंख बंद कर दो और वीसी दिन को ट्राई करके चले जाओ, फिर आपको दी जाएंगे पी मुदुन 19 करते हुए और सैफुद्दीन एंड एम दो रन करते हुए, बहुत तगड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज आप कह सकते हो। और मैं ज़्यादा उम्मीद मत करना, मीन्स 20-25 करना, लेकिन ये हार्ड हिटिंग कर सकता है। साथ में ये एक विकेट टेकर गेंदबाज है, इसको ध्यान में आपको लेकर चलना है। जब ये मैच गई थी सुपर ओवर में तो सैफुद्दीन ही बॉलिंग करने आए थे। अगर हम बात कर लेंगे गेंदबाजी में तो आपको दिख जाएंगे सैफुद्दीन एंड एम 3 ओवर 27 रन 0 विकेट, अली फ्रांसिस 4 में 21 रन 1 विकेट, पी मिदुन 4 ओवर 34 रन 1 विकेट, विजू नारायण। अब देखो विजू नारायण को किसी ने ट्राई नहीं किया है, ऑलमोस्ट आपके कोई अपोनेंट इसको लेके नहीं आएंगे, लेकिन विजू नारायण डेथ स्पेशलिस्ट है, इस बात को आप लोग ध्यान में लेके चलिएगा। फर्स्ट बॉलिंग अच्छे पिक बन जाएंगे। केसी अक्षय 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, रंजीत 1 ओवर 12 रन 0 विकेट। अब विजू नारायण का अगर आप देखोगे लास्ट के 4 मैच में तो इनको दिखेगा आपको 4 विकेट, जो कि 2 मैच में लिए, बाकी 2 मैच इनका विकेट लेस गया है। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। विकेट के पीछे बात करेंगे तो के श्रीनाथ आपके लिए सबसे बेस्ट और सेफेस्ट चॉइस जिन नजर मुझे आ रहा है। या अगर बात करेंगे मिनी जीएल को लेकर तो आप लोग निखिल टी को ट्राई कर सकते हो। बैटिंग में बी गोविंद को ट्राई कर लीजिए, उसके अलावा आप लोग यहाँ से ट्राई कर लीजिए बीवीएस को। उसके बाद आप लोग तीसरा जो प्लेयर है वो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग खुद का कॉल लीजिए, आनंद अच्छे प्लेयर है, राहुल शर्मा मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ अपने टीम में यहाँ से ए प्रताप को। आप लोग यहाँ पे जो है अरुण के को भी मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो, दोनों आपको यहाँ पे पीआरसी की तरफ से ओपनिंग करते नजर आ जाएंगे। उसके बाद मैंने फिलहाल अपनी टीम में लिया हुआ है यहाँ से किसको, मिधुन को लिया हुआ है, और मैंने अपनी टीम में एम रवीन कृष्णा को लिया हुआ है। आप चाहो तो ए कृष्णन को ट्राई कर सकते हो, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है गेंदबाजी में, लेकिन आप इनसे उम्मीद बहुत कम या फिर ना के बराबर कीजिएगा। एज ए बैट्समैन मुझे लगता है कि जो आपको 22 प्लेयर दिख रहे हैं उनमें से आप उम्मीद कर सकते हो कि टॉप 2 टॉप 3 में इनका नाम यहाँ से आ जाएगा। फिर मैंने अपनी टीम में फ्रंकिस को लिया हुआ जो कि हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, लास्ट के 5 मैच में से इनका 2.50 बहुत स्पीड में निकला है, 22 या 23 बॉल में 2.50 ठोक दिए इन्होंने, और गेंदबाजी भी 4 ओवर पिछले मैच में किए थे, तो आपके लिए अच्छे खासे वीसी के भी कंटेंडर बन रहे हैं। बात करेंगे बॉलिंग में तो आप लोग यहाँ पे सैफुद्दीन को ट्राई कर लीजिएगा, इसके बाद अक्षय को ट्राई कर लीजिए, साथ में आप लोग यहाँ पे इसाक को ट्राई कर लीजिए और यहाँ पे सफीर को ट्राई कर लीजिए। एक गेंदबाज मुझे जो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मुझे इसको अपनी टीम में लेकर जाना है वो है विजू नारायण। अगर इसका पहले गेंदबाजी आता तो मेरी टीम में मस्ट पिक होंगे, किसके जगह पे ये मैं आफ्टर टॉस डिसाइड करूंगा। हो सकता है कि वो प्लेयर आपको दिख जाए यहाँ पे सफीर या फिर इसाक, इन दोनों का पहले गेंदबाजी आएगा तो मैं इस दोनों के साथ जाऊँगा, या फिर बिजू का पहले गेंदबाजी आएगा तो मैं उसके साथ ही जाऊंगा। अगर टीम प्रीव्यू को लेकर बात कर ले तो मैंने विकेट के पीछे के श्रीनाथ को लिया, फिर वी गोविंद, वीवीएस, ए प्रताप, अगर बात करेंगे ऑलराउंडर से तो एम रवीन कृष्णन, मिथुन पीके और ए फ्रंकिस को जगह दिया हुआ है। बात करेंगे बॉलिंग में के अक्षय, सैफुद्दीन, फिर आपको दिख जाएंगे एम इसाक और एम सफीर। अब बात आती है कैप्टन वीसी को लेके, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि बैट्समैन से दूरी बनाकर कैप्टन वीसी चलना, क्योंकि पिच यहाँ पे थोड़ा सा स्लोइस रहती है जहाँ पे स्पिन को अच्छी खासी मदद मिल जाती है। बैट्समैन से आप 30-35 का उम्मीद करके चल सकते हो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो तो। अगर फिर भी आप चाहते हो कि बैट्समैन कोई कैप्टन वीसी दे तो ये दोनों आपके लिए अच्छे खासे कैप्टन वीसी के पिक बन सकते हैं, स्पेशली के श्रीनाथ। बात करेंगे यहाँ पे ऑलराउंडर की तरफ से तो मैं रिकमेंड करूंगा ये 3 आपके लिए अच्छे खासे कैप्टन वीसी के पिक बन जाएंगे। और अगर यहाँ पे इनकी पहले गेंदबाजी आती है तो आप लोग इसाक और सफीर को भी कैप्टन वीसी ट्रैक करके चल सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने अपने टीम में कैप्टनसी रवीन कृष्णा को दिया हुआ और वीसी मैंने अपने टीम में फिलहाल एस मिथुन को दिया हुआ है। बाकी अगर मेरे टीम में कोई भी चेंजेस होगा तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और ये मैच अगर कुबेरा पे ऐड होता है तो उसका भी मैं आपको क्विंटो और डियो का पिक्स टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट को लेके बात कर ले तो इन सब मैचेस में मैं आप सभी को एक ही तरजीह दूंगा कि कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मिनी जीएलजीएल खेलने का, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। स्मॉल लीग में आपको थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि ये मैच में आपको बहुत सारे चीज़ अनएक्सपेक्टेड दिख जाएंगे, जिसको आप मान के चल रहे हो कि ये 4 ओवर डालेंगे, आप ऐसा भी देख सकते हो कि वो 1 भी ओवर ना डाले, और जिसको लेके आपको लगेगा कि ये 1 भी ओवर ना डाल सकते हैं या फिर पार्ट टाइमर है, कभी कभार वो 4-4 ओवर डाल के निकल जाएंगे। आपने देख लिया ए रमेश को लेके, एक मैच जो पहला हुआ था वहां पे उन्होंने 4 ओवर डाले थे, अच्छा गेंदबाजी किया हुआ था, 10-15 बैटिंग से भी कर सकते हैं। दूसरा मैच में उन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाला जहां पे उनको 9 रन देके 1 विकेट मिला हुआ था। तो ये सब चीज डोमेस्टिक के इन स्तर के मैचेस में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए समझदारी से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा।
बाकी उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए, और सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, रिपीट करूँगा बार बार, समझदारी से इन्वेस्टमेंट करिए। कभी किसी के दूसरे के कहने पर आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट आप सभी को नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर सही से पकड़ बना लिया तो 10 में से 5 मैच अगर आप विन करते हो तो आप ओवरऑल प्रॉफिट लेके चले जाओगे आराम से। ठीक है।